गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, माई सेल्फ कंचन चौधरी, सब्जेक्ट टीचर ऑफ सोशल स्टडी, क्लास थर्ड, फ्रॉम आर दर्शन स्कूल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेसन नंबर 6। लेसन नेम इज फेस्टिवल वी सेलिब्रेट। फेस्टिवल वी सेलिब्रेट, वे त्योहार जो हम सेलिब्रेट करते हैं या मनाते हैं। आज मैं यहाँ पर आपका जो न्यू लेसन है, लेसन नंबर 6, उसको स्टार्ट करने के लिए जा रही हूँ। पेज नंबर है आपका 35। ऑल स्टूडेंट ओपन योर बुक, पेज नंबर 35। फर्स्ट टॉपिक इज हार्वर्ड, नंबर 1 FESTIVAL फेस्टिवल, नंबर 2 CELEBRATED सेलिब्रेटेड, नंबर 3 PARTICIPATE पार्टिसिपेट, नंबर 4 SHARBAT सर्वर, नंबर 5 पॉपुलर, 7 PERFORMING परफॉर्मिंग। एक बार फिर देख लीजिए, फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, पार्टिसिपेट, सर्वर, क्रिसमस, पॉपुलर और परफॉर्मिंग। अब मैं यहाँ पर आपको ये लेसन की जो हिंदी है वो शॉर्ट में बता देती हूँ। आपको घर पे बैठ के क्या करना है बेटा, इसकी स्टडी करनी है, इसको पढ़ना है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देख लीजिए मीन ऑफ फेस्टिवल। फेस्टिवल का मतलब क्या होता है, फेस्टिवल का क्या मतलब होता है। फेस्टिवल, द वर्ड फेस्टिवल मीन्स वाई हैप्पी फर्स्ट डे। जो फेस्टिवल का असली मतलब होता है वो खुशी का दिन होता है, खुशी से मनाते हैं फेस्टिवल, है ना, दुख से तो नहीं मनाते हैं, इसका मतलब यही होता है। तो यहाँ पर कुछ आपके फेस्टिवल दिए हुए हैं, उनको आपको क्या करना है, क्या करना है बेटा, कितने फेस्टिवल होते हैं, रिलीजन होते हैं, हार्वेस्ट फेस्टिवल होते हैं और नेशनल फेस्टिवल होते हैं। तीन प्रकार के त्योहार होते हैं जो हम लोग मनाते हैं, तो इनको मैं बता देती हूँ। जैसे फर्स्ट वाला है रिलीजन फेस्टिवल है, तो वो है आपका दशहरा। दशहरा क्यों मनाया जाता है, क्यों दशहरा को मानने का क्या रीजन है दशहरा को मनाने का। तो दशहरा क्यों मनाया जाता है, ये माना जाता है कि इस दिन जो आपके श्री, जो हमारे श्री राम प्रभु माने जाते हैं, प्रभु है वो, क्या है, उन्होंने जो है राम का वध किया था। ठीक है, क्या किया था उस दिन, राम का, रावण का वध किया था श्री राम जी ने। तो अब इसमें क्या होता है, इसके दिन क्या होता है बेटा, इसके दिन जो है, इस दिन रावण और कुंभकर्ण और मेघनाद, इनके जो है बड़े बड़े स्टैचू बनाए जाते हैं, बड़े बड़े पुतले बनाए जाते हैं, और फिर क्या की जाती है, रामलीला की जाती है। जिस तरीके से राम जी वनवास गए थे, वहां पर क्या हुआ, और लास्ट में उन्होंने किस तरीके से जो है रावण का वध किया, और फिर लास्ट में क्या करते हैं, रावण के जो पुतले होते हैं उनको जला दिया जाता है। ठीक है, और फिर क्या होता है, ये जो दशहरा वाले दिन इसी टाइम पे दुर्गा पूजा भी होती है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, नेक्स्ट फेस्टिवल है आपका दिवाली। दिवाली एक लाइटों का त्योहार माना जाता है। ठीक है, और ये किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि जो हमारे जो श्री राम है, प्रभु है, वो 14 वर्ष का वनवास काटकर कहाँ पर आए थे, अयोध्या वापस आए थे। रावण का वध करने के बाद 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस आए थे। अब वहाँ पर उस दिन क्या होता है बेटा, इस दिन अपने घरों की साफ सफाई की जाती है ना, और जो है मिठाइयाँ ली जाती है, मिठाइयाँ पड़ोस में बांटी जाती है, और जो आपके दीपक जलाए जाते हैं, ये लाइटों का त्योहार है, तो दीपक वगैरह जलाए जाते हैं। ठीक है, और फिर जो बच्चे बाद में क्या करते हैं, थोड़ी आतिशबाजी भी करते हैं, तो पटाखे वगैरह ये भी लगाते हैं, जलाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, ईद। ईद जो है मेन त्योहार वो मुस्लिमों का होता है, और ये ईद कितनी होती है, दो होती है, ईद उल फितर और ईद उल जुहा। ठीक है, तो ये जो है मेन जो है मुस्लिमों का होता है, इसमें ये लोग क्या करते हैं, नमाज अदा करते हैं, है ना, नमाज अदा करते हैं। जो उनकी नमाज अदा करना होता है, उनकी ये प्रार्थना होती है, वो अपने भगवान से, अपने प्रभु से प्रार्थना करते हैं, अपने अल्लाह से प्रार्थना करते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है, वो गले मिलते हैं उसके बाद, और गले मिलने के बाद किसी को मिठाई वगैरह और जो भी उनको गिफ्ट देना होता है वो देते हैं, एक्सचेंज करते हैं। फिर आता है होली। होली जो है कलर का त्यौहार होता है, यानी रंगों का त्यौहार होली होता है, और ये भी कैसे मंथ, इसे मार्च के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज मोस्टली सेलिब्रेट इन नॉर्थ इंडिया, ये नॉर्थ इंडिया में मोस्टली रूप से सेलिब्रेट किया जाता है। फिर आपका आता है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा जो है ये सिख का
त्योहार है, यानी कि जो सरदार लोग होते हैं, सिख लोग होते हैं, ये उनका त्योहार होता है, ठीक है। और ये किस लिए किया जाता है? बर्थडे पे किया जाता है, जो उनके फर्स्ट गुरु थे गुरु नानक देव, उनके बर्थडे पे ये किया जाता है। उस दिन ये लोग क्या करते हैं, ये नए कपड़े पहनते हैं, जैसे नए कपड़े, सभी लोग अपने फेस्टिवल में नए कपड़े पहनते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और क्या करते हैं, गुरुद्वारे में प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं और वहाँ पे जो है वो लगाते हैं, लंगर बोलते हैं, लंगर लगाते हैं, लोगों को शरबत पिलाते हैं, ये सारा काम वहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट है क्रिसमस। क्रिसमस जो है जीजस चर्च का जो है बर्थडे होता है, इसलिए ये लोग मनाते हैं। और ये जो है 25 दिसंबर को मनाया जाता है, 25 दिसंबर को ये मनाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें गिफ्ट देते हैं एक दूसरे को, बच्चों को ज्यादा, मेनली जो है बच्चों को ज्यादा देते हैं, लेकिन वजह अच्छे से सजावट की जाती है, ठीक है, और एक दूसरे को बच्चों को गिफ्ट और मिठाइयाँ देते हैं। अब आपका आता है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन जैसे आने वाला है, 3 अगस्त को रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है। ये जो है मेनली जो है सिस्टर और ब्रदर का त्यौहार होता है, यानी भाई बहन का त्यौहार होता है। इसमें जो भाई होता है वो अपनी बहन को रक्षा करने का वचन देता है, यानी कि जो बहन होती है वो अपने भाई को राखी बांधती है और उससे अपनी रक्षा का वचन मांगती है। नेक्स्ट आता है आपका गणेश चतुर्थी। इट इज द, ये गणेश जी जो गणपति महाराज होते हैं, ये गणपति देवता है आपके, ये उनका बर्थडे होता है और ये मेन रूप से किसमें मनाया जाता है, महाराष्ट्र में मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका हार्वेस्ट फेस्टिवल, ये पंगोल। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। ये जो है तमिलनाडु का जो है एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है और ये कब मनाया जाता है, जनवरी के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है और 3 दिन सेलिब्रेट किया जाता है। कितने दिन? 3 दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ओणम जो है, फिर नेक्स्ट फेस्टिवल है ओणम। ओणम जो होता है बेटा, ओणम ये क्या होता है, इसमें ये केरल में मनाया जाता है और इसमें क्या होती है, जो वोट होती है, नाम होती है, ये उसकी जो है प्रतियोगिता करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है बिहू। बिहू जो है असम का फेस्टिवल है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें डांसिंग करते हैं, जो वहाँ के कपड़े होते हैं, जो वो लोग कपड़े पहनते हैं, न्यू कपड़े, वो करते हैं, बिहू सॉन्ग गाते हैं, ठीक है, और डांस करते हैं और बुफेलो फाइट भी होती है। फिर नेक्स्ट आता है बैसाखी। बैसाखी भी किसका फेस्टिवल है, वो भी सिख का ही फेस्टिवल होता है। ज़्यादातर जो है मोस्ट रूप से पंजाब में मनाया जाता है, ठीक है। वैसे तो सभी लोग मनाते हैं लेकिन मुख्य त्यौहार यहाँ का पंजाब होता है। ये क्या लोग क्या करते हैं, जो जेंट्स होते हैं भांगड़ा करते हैं, भांगड़े पर डांस करते हैं, और जो लेडीज होती हैं वो गिद्दा करती हैं, गिद्दा उनका शौक होता है, वो गिद्दे पर डांस करती हैं। अब आता है नेशनल फेस्टिवल। नेशनल फेस्टिवल कौन कौन से होते हैं, नेशनल फेस्टिवल 3 होते हैं। फर्स्ट है रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाया जाता है। ऑन दिस डे, इस दिन जो है 1950 को इंडिया बिकम ए रिपब्लिक। ये क्या हुआ था, इंडिया जो है रिपब्लिक हुआ था, ठीक है। अब क्या होता है, नेशनल होता है, इसमें नेशनल एंथम गाया जाता है। जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या करते हैं, फ्लैग रोपण करते हैं, यानी कि झंडा रोपण करते हैं, और नेशनल जो एंथम होता है, सॉन्ग होता है, वो हमारा गाया जाता है। फिर होता है इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस जो है सेलिब्रेट किया जाता है 15 अगस्त को, ठीक है। 1947 में जो है क्या हुआ था, ब्रिटिश जो रूल थे उनसे क्या हो गया था, देश आजाद हो गया था, ठीक है। तो अब क्या होता है, इसमें जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो नेशनल फ्लैग जो है आपका झंडा होता है वो क्या करते हैं, उसको फहराते हैं, और कहाँ पर, रेड फोर्ट पे, दिल्ली में, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है गांधी जयंती। गांधी जयंती जो है वो 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, और किस लिए मनाई जाती है, क्योंकि इस दिन बर्थडे होता है गांधी जी का, जो हमारे राष्ट्रपिता भी कहलाए हैं, यानी कि राष्ट्रपिता भी कहलाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पर है 2 अदर इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। 2 और फेस्टिवल है जो हम लोग मनाते हैं। जैसे फर्स्ट वाला क्या है, देख लीजिए, टीचर्स डे। टीचर्स डे तो सभी लोग मनाते हैं, लेकिन मनाते क्यों है, एक बार देख लीजिए फिर क्यों मनाते हैं। इट सेलिब्रेट ऑन 5 सितंबर एवरी ईयर्स, यानी कि इसको हम प्रत्येक साल 5 सितंबर को मनाते हैं। इट इज बर्थडे ऑफ सेकंड प्रेसिडेंट।
ये जो हमारे इस दिन क्या होता है, हमारा जो बर्थडे होता है, सेकंड प्रेसिडेंट थे हमारे कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्ण। ठीक है, तो इसको हम किस रूप में मनाते हैं, इनका बर्थडे टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है चिल्ड्रंस डे। चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया जाता है 14 नवंबर को। ठीक है बेटा, इट इज द बर्थडे ऑफ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ये जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका बर्थडे होता है। तो इनको क्या था बेटा, इनको बच्चों से काफी प्यार था, ये बच्चों को काफी पसंद करते थे। तब इन्होंने क्या कहा कि मेरा जो बर्थडे है वो किस लिए मनाया जाए, बच्चों के रूप में मनाया जाए, यानी कि चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाए। ये लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या कराऊंगी बेटा, इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज कंप्लीट कराऊंगी। अभी आपको क्या करना है, ये लेसन घर पे बैठ के पढ़ना है, रीड करना है, और जो इसके हार्डवर्क मैंने दिए हैं